दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की वैवाहिक विवादों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। गुजारा भत्ता केस में दोनों को आमदनी संपत्ति खर्च कर्ज बताना होगा, क्योंकि कभी भी इस चीजों को लेकर विरोधाभास आता है कि इस लड़की ने ऑलरेडी जॉब है, ये नौकरी पैसा है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं इनको खर्चा कहाँ से दी, ये सारी चीज कोर्ट में आती है। तो इस पर एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है कि कौन कमाने वाला है, कौन कितना गुजारा भत्ता से दे सकता है या कौन कितना पैसे रोज एक महीने के कमाता है, इसकी पूरी आपको संपत्ति आपको बताना पड़ेगा, कितना कर्ज है, सारी चीजें इस गाइडलाइन के तहत बतानी होगी। जब भी आपके तय होगा कि आपको कितना गुजारा भत्ता आप दे सकते हो या कितना गुजारा भत्ता आप लेने की हकदार है, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है। दोस्तों इस गाइडलाइन से आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को गुजारा भत्ता से राहत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार के आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।